वो सारे बहुत रूड थे, जैसे एहसान कर रहे हो, जैसे वो नौकरी करके जैसे ऐसा कर रहे हो, जैसे समाज सेवा कर रहे हो, उनको सैलरी मिलती है सब चीज़ों की, तो हम जा रहे हैं उनके पास, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, पापा वहाँ पे रोते रोते सबके हाथ पैर जोड़ रहे थे, सब ऐसे जवाब दे रहे कि जाके जब वहाँ पे चुपचाप खड़ो जा, मेरे को मेरा काम मत सिखा, मैं अपना आप देख लूँगा। एक लेडी डॉक्टर कहती है कि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास जाके वहाँ खड़ा हो जा, और 5 मिनट बाद वो वीडियो कॉल पर पता नहीं किससे चैट कर रही होती है, वीडियो कॉल पे वो बातें कर रही होती है, तो अगर उनके पास टाइम नहीं था तो क्यों नहीं देखा उन्होंने। जब मम्मी वहाँ पे बेहोश हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है, तब आ रहे हैं वो, तब इंटर्न के ट्रेनिंग वाले डॉक्टर आके देखते हैं उन्हें, वो भी सीनियर डॉक्टर नहीं होता कोई, और सारे इंटर्न के होते हैं, उनसे कोई सिचुएशन हैंडल नहीं होती फिर बाद में, और फिर बाद में वही मम्मी दम तोड़ देती है वहाँ पर। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चे कई मर गए हैं, इस पर मीडिया में काफ़ी दिखाया गया कि सरकार की लापरवाही से और जो जो प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन, सुविधा मुहैया न कराने की वजह से उन बच्चों की मौत हो रही थी। हाल ही में दिल्ली में, जहां पर अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि हमारे अस्पताल सब में सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं हैं मरीजों के लिए और यहां पर सभी चीज़ों का इलाज होता है, उसी अस्पताल की एक बात करें, हिंदू राव अस्पताल, बड़ा हिंदू राव, जहाँ पर एक महिला के मौत का मामला सामने आया है। हमारे साथ महिला के पति जो है हमारे साथ हैं, जयपाल जी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, आखिर किस तरीके से डॉक्टरों की लापरवाही से उस महिला की मौत हो जाती है। सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं उनको लेके गया था हॉस्पिटल इमरजेंसी में, नीचे इमरजेंसी में नीचे लेके गया, उन्होंने मेरे को लिख के दे दिया जी इंजेक्शन लगवा लो ऊपर जाके, पर नहीं, मैंने कहा था सर नीचे ही लगा दीजिए, कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, ऊपर ही उसमें लगेगा, मेडिसिन वार्ड के अंदर लगेगा, तो उन्होंने हमारे को एक गोली खिला के और ऊपर भेज दिया। पर ऊपर गए तो हमने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर आपस में ही पहले गपशप कर रहे थे बैठ के, वो सिस्टर को बीच में बैठा रखा था, वो वीडियो कॉल पर लगी हुई थी, डॉक्टर ने पर्चे पर लिख दिया इंजेक्शन लगवा लो जाके। मैंने कहा सर आप ही लगा दो, डॉक्टर बोलता है मेरा काम नहीं है, सिस्टर का काम है। सिस्टर उठ के दूसरे कमरे में चली गई उस वाले बाड़ में, तो मैंने उनके पीछे पीछे गया, मैम सिस्टर लगा दो। सिस्टर मेरे को बोलती है मैं क्या तेरे लिए खाली बैठी हूँ क्या, मेरे को सिस्टर ये बोलती है। बाद में एक डॉक्टर खड़े थे उनके साथ में, वो भी मेरे को बोलते हैं जाके बाहर खड़े हो जाओ, हम अपने आप देख लेंगे जो होगा। बाद में फिर मैं अपनी मिसिस के पास गया, मेरी मिसिस बहुत तड़प रही थी सांस की वजह से, ना तो उन्होंने कोई ऑक्सीजन दिया ना कोई वेंटिलेटर दिया, वो कहते हैं हमने वेंटिलेटर दिया, न्यूज़ में बोलते हैं वेंटिलेटर दिया है, कोई ना तो ऑक्सीजन लगाया ना कोई उनका बीपी का इंजेक्शन दिया उन्होंने कोई। जब उनकी डेथ हो गई, जब उन्होंने दम तोड़ दिया, जब उन्होंने फटाफट से उसकी छाती दवाई इंजेक्शन ठोकने शुरू कर दिया उन्होंने, जब मर गई तो मेरे को बोलते हैं मर गई तो मर गई, इन्होंने ये मेरे को जवाब दिया, कहते हम इसमें क्या कर सकते हैं, मर गई तो मर गई, बस इसी बात के ऊपर डॉक्टरों से बहस सी हो गई। फिर डॉक्टर 30-40 डॉक्टर आके हमारे चिपट गए, हमारे मेरी बेटी की टांग पकड़ के खींच लिए डॉक्टर ने, भीड़ भाड़ा के मेरे सर के अंदर मारा उन्होंने बड़ी तेज़, यहाँ पे पता नहीं क्या मारा था, और राड़ जो ग्लूकोज की टांगने की होती हैं वो मेरे सर में मारी उन्होंने, जो इसके पीछे से जो होता है मुट्ठा से नीचे के जो होते हैं वो मारा मेरे सर में। बस इसी बात के ऊपर अब बाकी सारा आरोप हमारे खिलाफ़ कर रहा है उन्होंने, हमने वेंटिलेटर पे डाला है, कोई वेंटिलेटर नहीं दिया, कोई ऑक्सीजन नहीं दिया, अगर ऑक्सीजन दे देते तो मेरी मिसिस की जान बच जाती, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, लापरवाही दिखाई पूरी उन्होंने। बाद में फिर दोबारा गया, नहीं आया इंजेक्शन लेने, फिर मैं उनके पास दोबारा गया तो मेरी मिसिस बेड से नीचे गिर गई, तो उन्होंने वहाँ पर तड़प के नीचे गिर गई, मैं उनको गोद में उठा के वहाँ पर बेड पे लिटाया था, उन्होंने उनकी आँख फटी रह गई, मैंने डॉक्टरों को बुलाया था, उनको फटाफट छाती दबाने लग गए, मुँह में प्रेशर वाली वो देने लग गए, इस लापरवाही की वजह से मेरी मिसेज की डेथ हुई है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहां सदमे में है पूरा परिवार, वहीं पर डॉक्टरों की तरफ से सवाल पूछने पर उनसे हाथापाई की जाती है, मारपीट किया जाता है और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जाती है एक तरीके से। वहाँ पर डॉक्टरों का क्या कहना है, डॉक्टर क्यों स्ट्राइक पर क्यों बैठ गए वहाँ पर? अब वो तो उनको ही पता होगा, जब वहाँ पे स्ट्राइक चल रही है तो उनको तो मौका मिल गया स्ट्राइक करने का, वहाँ पे कानपुर में कहाँ पे स्ट्राइक चल रही है वहाँ पे उनको मौका मिल गया, भाई हम भी स्ट्राइक कर देते। वैसे जिस दिन उन्होंने स्ट्राइक करी थी डॉक्टर डे था, कोई कोई डॉक्टर डे था, उन्होंने हड़ताल तो अब जैसी करी है, ज़बरदस्ती की हड़ताल करी है, पर सारी गलती डॉक्टर हो गया, हमारे ऊपर हमला करा उन्होंने, मेरी बेटियों को मारा, मेरी इस बेटी को मारा उन्होंने, इसको मारा, मेरे भाई की बेटी है। तो आप देख सकते हैं कि
फैमिली के लोगों को पीटा गया वहाँ पर डॉक्टरों की ओर से, और उल्टे सारे मरीज वहाँ पे परेशान थे, सब उनके खिलाफ बोल रहे थे। डॉक्टर जितने भी पेशेंट थे उनके जो साथ में थे वो भी उनको बोल रहे थे गलती आप लोगों की है, कि सारे मरीजों के पेशेंट वो भी बोल रहे थे। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से परिजनों के साथ मारपीट की गई डॉक्टरों की ओर से, और इसमें जो मीडिया में खबरें आई, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी पुलिस के आधार पर, पुलिस से पूछताछ के आधार पे ही जो है सारी रिपोर्ट दिखा रहा, परिजनों की बातों को नकार रहा है सीधे सीधे, और कह रहा है कि परिजनों की तरफ से हाथापाई की गई। तो इसमें आप लोगों को किस तरीके से लपेटा जा रहा है मीडिया के द्वारा? तो हमारी हमने कंप्लेंट करी, हमारी कंप्लेंट का तो कोई इसमें आ ही नहीं रहा है, सिर्फ डॉक्टरों की बयान आ रहे हैं इसमें। डॉक्टर अनूप उन्होंने मरीज के साथ वालों ने, जयपाल ने ये करा, शुभम ने वो करा, उसने ये करा, पर सारा कुछ इनके डॉक्टरों ने करा है। उसमें एक कच्चे के अंदर था, दाढ़ी वाला था, उसने हमला शुरू करा ये मारना पीटना, और एक लंबा सा पतला सा डॉक्टर था, दाढ़ी रखी हुई थी, चश्मा लगाया हुआ था, वो आके गालियाँ भुगतार करने लग गया आके बाहर से एकदम आके। उसने झगड़ा उनकी वजह से, तो हमारी तरफ से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, सिर्फ हमने गुस्से में चलो कुछ बोल दिया है, तो जब कि हमारा हमारी मिसिस हमारे हाथों में दम तोड़ देगी, बेटे के सामने दम वो तोड़ देगी, तो गुस्सा तो थोड़ा आता ही है ना, सवाल तो पूछा ही जाता है ना सर। हमने उससे सवाल ही पूछा था सर, हमने कहा था अगर आप इसको इंजेक्शन लगा देते तो ये मरती नहीं। उसने मेरे को छुट्टे ये जवाब दिया, मर गई तो मर गई, अब क्या कर सकते हैं हम, स्वाभाविक है गुस्सा तो आएगा ही। और गुस्सा जब इस बात को उन्होंने बोला मर गई तो गुस्सा तो आएगा हमारे को, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से, पुलिस की मौजूदगी में ऐसा, पुलिस वहीं पर खड़ी हुई थी सर, सारी बहुत पुलिस खड़ी हुई थी वहाँ पे, जब वो डॉक्टर आ गए 25-30 डॉक्टरों ने आगे हमारे में बजाना शुरू करा। ये इसमें कौन से डॉक्टर थे वहाँ पे इलाज करते समय? एक तो सर डॉक्टरों का नाम तो, एक तो चश्मे वाला था सर, एक दाढ़ी वाला था, उसने ग्रीन टी शर्ट पहनी हुई थी, एक मोटा सा था लड़का, मैं नाम नहीं जानता उनका क्योंकि मैं घबराया हुआ था बहुत, मैं तो इसलिए घबराया हुआ था ना, तो उनका मैंने नाम पूछा, उन्होंने पेपर भी मेरे से छीन लिए थे, और एक डॉक्टर तो पेपर भी फाड़ने लग गया था वहाँ का, जो ये जो निक्कर में था दाढ़ी वाला, लाल ऑरेंज सी टी शर्ट पहनी, वो पेपर फाड़ने लग गया था मेरे, मैंने उससे पेपर छीने थे, जो हरी टी शर्ट में था जिसने मेरे को ये बोला था उसका नाम जगमोहन था, जिस डॉक्टर ने ये बोला था मर गई तो मर गई, वो जगमोहन था। आपने जिस तरीके से देखा कि रात को उस टाइम पे आप ले गए, तो उस टाइम पे क्या डॉक्टरों की संख्या मौजूद थी उसके बावजूद? सर वहाँ पे तीन डॉक्टर थे, तीनों गप्पे कर रहे थे बैठ के टेबल पे, सिस्टर बीच में बैठा रहा कि सिस्टर वीडियो कॉलिंग पे लगी हुई थी, मतलब इस तरीके से अंधेरे को। हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टरों ने बोला मेरे को पर्चा लिख के दे दिया, कह रहे आप जाके अपने मरीज के पास खड़े हो जाइए, मैं सिस्टर आएगी अपने आप इंजेक्शन लगा देगी। दोबारा मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब आप लगा दीजिए, डॉक्टर ने मेरे को जवाब दिया ये मेरा काम नहीं है, सिस्टर का काम है। मैं आगे दरवाजे पे खड़ा हो गया, डॉक्टर के कमरे के बाहर खड़ा हो गया, सिस्टर आई निकल के दूसरी जेंट्स बाड़े में चली गई, मैं उनके पीछे पीछे गया, मैम मेरी मिसिस जो है वो सांस की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनको कुछ ऑक्सीजन वगैरह लगा दीजिए। कह रही मैं तेरे लिए खाली नहीं बैठी हूँ वहाँ पर, उसने ये बोला मेरे को। डॉक्टर जो जगमोहन डॉक्टर है उसके साथ ही खड़ा हुआ था वो भी अंदर, उसने भी मेरे को यही जवाब बोला, हम तुम्हारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, ये मेरे को जवाब दिया उसने। और भी उसी परिवार के लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ ऐसा वहाँ पे, उस घटना के समय आप मौजूद थी, तो क्या हुआ वहाँ पे, क्या सिचुएशन ऐसी बनी कि डॉक्टर लोगों ने आपके साथ ऐसा किया? जब हम वहाँ पर पहुँचे थे हॉस्पिटल में, तो उनकी डेथ हो चुकी थी, तो डॉक्टर को हमें लगा कि उनके अंदर कुछ बच्चा है, उनका फेस गर्म था, हमने उनकी हार्ट बीट पकड़ के देखी, उनकी हार्ट बीट में हल्का हल्का प्रॉब्लम लग रही थी कि अभी थोड़ा बहुत है उनके अंदर। हमने डॉक्टर को रिक्वेस्ट की कि आप एक बारी देख लो, एक बारी देख लो, वो इतना सब करने के बाद भी वहाँ पर नहीं आए। उन्होंने बोला अब हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ से गार्ड ने हमें धक्का मार के पीछे भेज दिया कि वो लोग कुछ नहीं करेंगे डॉक्टर। फिर वहाँ से होने के बाद जब झगड़ा वगैरह लोग हैं, उन्होंने हमारे भाइयों को घेर लिया, जो वहाँ पे 25-30 डॉक्टर वहाँ पे आए थे, उन्होंने शिवम नाम का जो लगा उसको वहाँ पे घेर लिया और उनके सर में मारने लगे। फिर मैं जब वहाँ पे बीच में घुसी उन डॉक्टर के बीच में उनको छुड़ाने के लिए, उन्होंने उनको छोड़ के मेरे ऊपर हाथापाई शुरू करने लगे, मेरा पैर खींच के उन्होंने उन डॉक्टर के बीच में मुझे लिटा दिया और पैरों से मुझे मारने लगे। तो इस तरीके का ही व्यवहार वहाँ पे चल रहा था। अगर जो भी कोई लेडीज़ आई थी वो किसी भी लेडीज़ को ये नहीं देख रहे थे, वो सब पर हाथ उठा रहे थे। ग्रीन कलर की जिसने टी शर्ट थी, जिनको वो बता रहे हैं वो वही था जिसने मारपीट शुरू करी थी। और फिर वो इतना था उनके, वो डॉक्टर मरीज उसको कहते हैं डेड बॉडी को यहाँ से निकालो, यहाँ पे क्यों फैला रखा है, उसको वहाँ से निकालो। तो और आप लोगों के साथ और कौन था जिसके साथ इस तरीके की घटना हुई है? मेरी मम्मी थी और दो सिस्टर और थी मेरी, दादी मेरी उनके पास बैठी हुई थी। आपका नाम? अंजलि। डेड बॉडी 3 दिन में जाके दी है हमारे को,
हमने उनको बोला संडे को डेड बॉडी दे, पहले हमारे को उन्होंने भेज दिया घर जाके, कह रहे हम संडे को आपको सैड वो दे देंगे, संडे को नहीं दिया, फिर संडे को पूरा दिन उन्होंने बोल दिया आपको सोमवार को मिलेगी सुबह, कल के गए हुए हम, फिर हमें शाम को 6:30 बजे डेड बॉडी मिली है वहाँ से। हमने मैंने हमने इनको बोला था हमारे को डेड बॉडी दे दीजिए आप, नहीं दिया उन्होंने, जाके वहाँ उसमें रख दिया फ्रीजर में। और जो वो डॉक्टर डायलिसिस का दावा कर रहे हैं, वो न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि हमने 2 घंटे डायलिसिस पे रखा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि डायलिसिस अवेलेबल ही नहीं है हिंदुराव में, तो उन्होंने 2 घंटे कहाँ से डायलिसिस पे रख दिया? और अगर 2 घंटे की बात है तो 11:30 बजे पापा वहाँ पे मम्मी को लेकर गए हैं और 12:20 पे उन्होंने डेथ डिक्लेयर कर दी, तो 2 घंटे कहाँ से उन्होंने वो कर दिया डायलिसिस? तो इस तरह की बातें वो सारी झूठी खबर फैला रहे हैं, और एक मीडिया भी एक साइड ही दिखा रहे हैं हर जगह, और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे वेंटिलेटर पे रखा था मम्मी को, एमरजेंसी वार्ड में हिंदुराव के वेंटिलेटर अवेलेबल ही नहीं है, तो आधे घंटे में उन्हें ऑक्सीजन तक नहीं दिया गया, तो वेंटिलेटर तो बहुत दूर की बात है उनके लिए, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ ऐसा किया है, कुछ भी नहीं किया था। वहाँ के जो पेशेंट्स थे वो सारे वहाँ की कंप्लेंट कर रहे थे कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अगर हुआ होता तो शायद मम्मी हमारे साथ ही होती। जब भी हम वहाँ जाते थे डॉक्टर हमारे को देख के हंसते थे, कहते तुम फिर आ गए यहाँ पे, तुम्हारे को कितनी बार बोला गया जहाँ पे तुम्हारा इलाज चल रहा है वहाँ पे जाइए, ये हमारे को कह के बाहर निकाल देते थे वो नीचे, जो जो सबसे मेन इमरजेंसी है उसके अंदर जो डॉक्टर बैठा रहता था वो हमारे को देखते ही बोल देता था आप वहीं लेके जाइए। पहले मेरी बेटी उससे 20 दिन पहले मेरी बेटी और मेरा बेटा लेके गया था, उनको वहाँ से भगा दिया उन्होंने। ये आपके बेटे हैं? ये बेटे हैं, एक शिवम बेटे हैं मेरे जी। तो आप क्या थे उस घटना पे जब हुआ, तो आप लोगों के साथ कितना किस तरीके से डॉक्टरों ने व्यवहार किया, गुंडागर्दी की? जब हम वहाँ पे मतलब पहले पापा लेके गए थे, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वो CPR दे रहे थे, तो जो जब मम्मी मतलब ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ मरने के बाद आए थे हम, और वहाँ पे जितने भी पेशेंट थे उन्होंने आकर बोला कि मतलब कि इन्होंने गौर नहीं करा, लापरवाही की वजह से गए, सब इनसे बोलो तुम, और मतलब उन्होंने बिल्कुल देखा ही नहीं था। इंजेक्शन मम्मी गिर गई थी बेड पे से, इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था उन्होंने, और वहाँ के जो पेशेंट हैं उन्होंने बोला सब हमारे साथ थे, वो कह रहा तुम बोलो हम तुम्हारे साथ हैं, और उन्होंने ना जो उन्होंने मतलब रिपोर्ट वहाँ पे न्यूज़ में दे रखा CPR मतलब वेंटिलेटर पे रखा, कुछ भी उन्होंने ऑक्सीजन भी तक नहीं दिया था, वेंटिलेटर तो बहुत दूर की बात थी, और बस उन्होंने CPR जब वो भी लास्ट में आए थे CPR देने जब स्टार्ट किया था, और फिर वहाँ पे जब हमारी माँ गई थी तो गुस्सा तो आता ही, और मम्मी मतलब जब भैया ने उसको बोला कि मतलब भैया ने उसको बोला कि क्यों करा मतलब तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, कह रहा क्या हो गया मर गई तो मर गई हम क्या करें इसमें, उनका ये जवाब था, और फिर गुस्से में भैया से मतलब थोड़ा उल्टा सीधा निकल गया, और फिर मतलब वो ना जो था जो डॉक्टर था वहाँ पे शायद उसका नाम डॉक्टर जगमोहन था, वो बुला के लाया था एक लड़के को, लंबा सा लड़का था चश्मे वाला, वो आके गाली गलौज करने लग गया, फिर वो और लड़के लेकर आया 30-35, फिर हमारे साथ लड़ाई चालू, भैया को खींच लिया, मैंने भैया को खींचा, उन्होंने मुझे भी खींच के मतलब हाथापाई स्टार्ट कर दी, और उन्होंने मतलब हम तीनों बाप बेटों को बहुत मारा था उस टाइम पर। तो जिसकी मौत होती है उनके ही परिजनों को इसमें मारा पीटा जाता है, उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है, और उनके सवाल पूछने पर ही ऐसा किया जाता है, वो सवाल का जवाब तो देते नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है, उल्टे उनके साथ मारपीट, ये दर्शाता है कि किस तरीके से पुलिस इसमें काम कर रही है, किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, और किस तरीके से सरकार काम कर रही है। अब ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि मीडिया और पुलिस किस तरीके से इस पर आगे कार्रवाई करती है, लेकिन अभी के लिए ये समाज में एक संदेश जाता है कि निश्चित रूप से ही अस्पतालों में ठीक से डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, और इनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है।